सदकल्लाहुल अजीम। हर किस्म दी हमदो सना बड़ाई किबरियाई शहनशाही और बादशाही अल्लाह सुबहानहु व तआला दी जाते बबरकत वास्ते खास है और बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते अक़दस होन। मंडी कंगनपुर दे गयूर बाशऊर बावकार जिंदा दिल मुसलमानों और इस मस्जिद दी मेरी बड़ी ही प्यारी इंतजामिया जिंदा दिल नमाजी हजरात खतीबो इमाम मैं सब वास्ते दुआ गो हाँ कि अल्लाह सब दी उम्र अंदर बरकत अता फरमाए और पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मुआज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी इज्जतमंद माओं और बहनों मैं दुआ गो हाँ कि मौला करीम जिंदगी दे कबीरा सगीरा गुना अपनी रहमत नाल मुआफ़ फरमाए। मेरे वास्ते बहुत ही सआदत दी बात है कि अल्लाह ने मैनू अपने आबाई इलाके अंदर खुतबा जुमा दी पसंद फरमाया है। दुआ करो अल्लाह मैनू हक बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। मैं तुसां साथियां दा शुक्र गुजार हाँ कि तुसी मुहब्बत नाल एक चाहत लैके समात फरमा रहे हो माशाल्लाह। ओ मेरे भाई मकबूल साहब कोट्स राज दीन तो आए ने दुआ करो अल्लाह उम्र अंदर बरकत अता फरमाए। मैं सब वास्ते दुआ गो हाँ कि मालिका कबूलियत दा वक्त है अल्लाह ए जितने बैठे ने सारिया दे माल जान अंदर बरकत अता फरमा दे। सब तो बड़ी बात है कि मैं इस मिंबर ते कदम रखे आए मैनू इस मस्जिद दी रौनक इब्राहिम खादम कसूरी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। दुआ करो जिथे लेटे ने अल्लाह कब्र ते करोड़ा रहमतां फरमाए और इस मस्जिद नू आबाद करने वाले साढ़े वडेरे दसदे ने कि पुत्र एक वक्त सी जदों इब्राहिम खादम कसूरी जिंदा सी आंदे ने यकीन जानो कि नमाज पढ़न वास्ते जगह नहीं मिलती सी। दुआ करो अल्लाह अज भी रौनकों में दुबाला कर दे अल्लाह उस शेर की कब्र ते करोड़ा रहमतां फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद की इंतजामिया की मेहनत और प्यार कबूलो मंजूर फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नालो ज्यादा इस उम्मत अंदर ईमान वाले ने बल्कि इस तरह कह रहे हो कि इंसानियत अंदरों सब नालो ज्यादा आमिना दे लाल अलैहि सलातु व सलाम ईमान वाले ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नालो ज्यादा अल्लाह पाक नाल मोहब्बत और प्यार करने वाले भी ने। मालिक फरमांदे ने सूरतुल बकरा 165 नंबर आयत वल्लजीना आमनु अशद्दु हुब्बा लिल्लाह लोगो ईमान वाले अल्लाह दी मोहब्बत अंदर बड़े सख्त हैं। अल्लाह ने ईमान वाले बनो कमजोर ईमान वाले नहीं मजबूत ईमान वाले बनो अकीदाए तौहीद लेके गली गली नगर नगर अंदर फैल जाओ। मालिक कहंदा है ईमान वाले बन के दिखाओ वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बा लिल्लाह ईमान वाले साडी मोहब्बत अंदर अल्लाह ने बड़ी सख्त है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर ईमान वाले से और आपने इस कदर अल्लाह नाल मोहब्बत और प्यार सी। जामे तिर्मिज़ी दी रवायत है 3490 नंबर हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मैनू फरमाया सल महबूबा सवाल करो मैं रब अता करांगा और फिर आपने अल्लाह को सवाल किया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलिन युकर्रिबुनी इला हुब्बिका ऐ अल्लाह मैं तेरा पैगंबर तेरे को तेरी मोहब्बत का सवाल करना अल्लाह जी तुसी मेरे नाल मोहब्बत करो मैं तुहाडे नाल मोहब्बत करा। अरशां वालिया ऐसे अमल दी तौफीक दे दे जेड़ा अमल मैं करा अल्लाह मैनू तेरी मोहब्बत दा कुरब नसीब हो जाए। किस कदर आपने अल्लाह नाल प्यार कीता है किस कदर आपने अल्लाह नाल मोहब्बत कीती है
आप अल्लाह दी मोहब्बत नू पूरी कायनात नू अल्लाह दे प्यार अंदर वार दिया कर दे सन। मखजूमिया खानदान दी औरत दा केस आ गया, या रसूल अल्लाह मखजूमिया खानदान दी बीबी ने चोरी की थी है, अल्लाह दे पैगंबर जी चोरी करनी है इंदा केस। आपने फरमाया हाथ कर दिता जाए। मखजूमिया खानदान दे कबीले दे लोग कहन लगे हाथ नहीं कटिया जाएगा, असी उच्चे सरदार हां, असी बड़े लोग हां। कुरैश कहन लगे या रसूल अल्लाह माफ कर दियो, ए उच्चा खानदान है। कहन लगे अच्छा अच्छा, मखजूमिया खानदान दे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे इंसान नाल प्यार करते ने जिंदी आपने कदे भी नहीं मोड़ी। रवायत सही बुखारी अंदर, सही बुखारी पढ़ रहे हैं इमाम बुखारी अलैहि रहमा इस रवायत को अपनी बुखारी अंदर 6 मुकामात ते लेके आए ने। इमाम मुस्लिम 2 जगह लेके आए ने और इमाम अबू दाऊद अपनी अबू दाऊद अंदर 1 मुकाम आपते लेके आए ने। सुनन तिर्मिज़ी अंदर में 1 जगह पढ़िया है, सुनन नसाई अंदर 10 मुकाम आपते पढ़िया है, इब्ने माजा अंदर 1 जगह है, सुनन दारमी अंदर 1 जगह, मुस्नद अहमद अंदर 2 जगह रवायत मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुल केस आया, जान के ओ जनाब मखजूमिया खानदान दे लोग कहन लगे आप दे सहाबी नु तुसी सिफारिश करो ना। युकल्लिमु बि रसूलिल्लाह इल्ला उसामा इब्न ज़ैद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद दी कदे नहीं मोड़ी छे, उन्हां नु कहो सिफारिश कर दे। 3403 नंबर रवायत है बुखारी दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसामा बिन ज़ैद या रसूल अल्लाह माफ कर दो। आप इस कदर अल्लाह दी मोहब्बत अंदर सख्त सन, बड़ी ही तवज्जो दी जरूरत है। मैं दुआ करना अल्लाह हक बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पाक पैगंबर को उसामा बिन ज़ैद आ गए, आके कहंदे ने महबूबा माफ कर दियो, ते मेरे पैगंबर ने फरमाया उसामा अतश्फाउ फी हद्दी मिन हुदूदिल्ला, तू अल्लाह दिया नाफज कर दिया गद्दा विच सिफारिश करना आए। उसामा याद रखना कई उम्मतां मेरे तो पहला बर्बाद हो गई, उसामा जिन्ना अपने कमजोरां ते हद लगाई अपने तगड़ियां नूं छड़ दिता, अगर माड़ा जुर्म करदा ते हद नूं नाफज कर देंदे, अगर तगड़ा जुर्म करदा ते तगड़े नूं छड़ देंदे। आका फरमांदे ने उसामा चल ना मदीने दे वासियां नूं मस्जिद अंदर जमा कर दे। मदीने दे लोग आ गए, मेरे पैगंबर फरमांदे ने ओए मदीने वालियो ओए मदीने दियो वासियो सुन लो, मैं इस कदर अल्लाह दी मोहब्बत अंदर सख्त हां। मदीने वालियो इत्थे मखजूमिया खानदान दी औरतें लहू अन्ना फातिमा दा बिन्त मुहम्मद सारा कत्ल कता दुनिया दा गाव, अगर इंदी जगह ते मेरी धी फातिमा चोरी कर दे ते मैं मुहम्मद हुंदा भी हाथ काट देंदा। इस कदर मेरा नबी अल्लाह की मोहब्बत अंदर सख्त है, इस कदर मेरे पाक पैगंबर नु अल्लाह नाल प्यार है। अल्लाह सोनिया तेरा महबूब इनिया गवाहियां क्यों दे रहा है, अल्लाह सोनिया तेरा पाक पैगंबर इन्ना सख्त क्यों है। मालिक फरमांदे ने वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, लोगो ईमान वाले साडी मुहब्बत अंदर बड़े सख्त ने, आ साडी मुहब्बत अंदर जाना भी कुर्बान कर दे। और मेरे पैगंबर किंज सख्त ने अल्लाह दी मोहब्बत अंदर, मायशा बयान कर दिया ने 10 दिन बाद अल्लाह दे पैगंबर मेरे बिस्तर ते आए ने, नबी पाक मेरे कोल आए ने, 10 रातां बाद आप फरमांदे ने आयशा इज़नी ली अताबदो दे रब्बे, नी आयशा मैनू इजाजत दे मैं अपने रब नू मना लवां, नी आयशा अज दी रात मैं अल्लाह दे नामे लाना चाहना वा। ते मां फरमांदियां ने महबूबा हां ऐशा नूं तुहाडे नाल प्यार जरूर है, पर सुणिया ऐशा तुहाडी ख्वाहिश दा ख्याल रख दिए। अम्मा ऐशा ने इजाजत दिती है, मेरे पाक पैगंबर आपने वुजू फरमाया है, मुसल्ला बिछा लिया, सारी रात मेरा नबी ने रोंदियां गुजार दी
नहीं है। अल्लाह दे पैगंबर अल्लाह दे हुजूर गिड़गिड़ाते रहे ने, अल्लाह मैनू माफ कर दे। सुबह दा सूरज निकले पैगंबर दे यार आंदे ने, महबूबा तुहाडे ते जिम्मे गिना ही कोई नहीं, सोणिया गुनाहां तो पाको फिर तुहाडे कदमां ते वरम क्यों पै जांदे ने, सोणिया क्याम कर कर के सोजा क्यों आ जांदियां ने। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, सही मुस्लिम पढ़ रहा वां और सही मुस्लिम दी 2820 नंबर रवायत है, आका फरमांदे ने नी मेरी प्यारी आयश, अफला अकून अब्दन शकूरा, नी ऐसा मैं रब दा शुक्र गुजार बंदा ना बन जावा। सुनना प्यार दा पैगाम, मेरे नबी नू इस कदर अल्लाह नाल प्यार है, रातां नू उठ के कयाम करन वाला मेरा पाक पैगंबर है, रातां नू उठ के उम्मत लई रब कोल दुआवां करन वाला मेरा सोहना पैगंबर है। और कौन मेरा नबी है जिंदी मोहब्बत अंदर मैं कहना, ओ कदी मंगदा दुआवां बह के यारां दे विच, कदी रोवे कल्ला जाके गारां दे विच, ओए कितना एहसास सी पीर उम्मत दा, ताइयों सारी उम्रां दा रबणो मनोंदा रिहा। अल्लाह दे पैगंबर रब दे सामने गिड़गिड़ा रहे ने, और सही बुखारी अंदर है, मेरे पाक पैगंबर अल्लाह दी मुहब्बत अंदर किन्ने सख्त ने। 2802 नंबर रवायत बुखारी किताबुल जिहाद दी रवायत बयान करन लगा वा, मेरे आका दी उंगली ते जख्म आ गया, मेरे पैगंबर दी उंगली अंदरों खून बह रहा है, ते मेरे आका फरमाते ने अपनी उंगली नू देख के, हल अंती इल्ला इस्बाउल दमीती वफी सबीलिल्लाह मादकीते, तू खुश नसीबे तैनू जख्म अल्लाह दे रस्ते अंदर आया है। इस कदर मेरे पाक पैगंबर सख्त ने अल्लाह दी मोहब्बत अंदर, मेरे नबी ने अपनी उंगली दी परवाह नहीं की, आसमान वाले दियां तारीफां कर रहे ने। और किन्ना प्यार है मेरे पाक पैगंबर नू अल्लाह दे नाल। अल्लाह फरमाते ने कुरान पाक अंदर सूरतुल बकरा दी 165 अंदर आयत अंदर मेरे मालिक ने ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमाते ने वामिनन नासी मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाही अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। अल्लाह फरमाते ने कायनात ते इंज दे भी साडे बंदे ने, अल्लाह फरमाते ने ओ जिहड़ा प्यार साडे नाल करना चाहीदा है ओ प्यार अपने बुजुर्गां नाल करदे ने। मालिक कहंदे ने जिहड़ा मुकाम मेरा है ओ अपने औलिया अल्लाह नूं मुकाम देंदे ने। अल्लाह फरमाते ने ओए कंगन पुरिया पुत्तर मैं अता करना वा, ओ कहंदा नहीं बुजुर्ग अता करदा है। अल्लाह फरमाते ने धीआं मैं देना वा, ओ कहंदा फलां बेटियां देंदा है। मालिक कहंदा रिज़क मैं अता करना वा, ओ आंदा फलां मेदार वाली सरकार देंदी है। अल्लाह फरमाते ने इंज दे साडे बंदे ने, इब्ने आदम इन्ना बेवफा है कि रब दा मुकाम अल्लाह दे वलियां नूं देंदा है। अगे अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल्लिल्लाह, सारे इंज दे नहीं, ईमान वाले अल्लाह दी मुहब्बत अंदर बड़े सख्त ने। ओ यारो रब दी मुहब्बत अंदर सख्त हो जाओ, अल्लाह दे प्यार अंदर सख्त हो जाओ। मैं तेरे मिंबर ते खड़ा होके इख्तलाफी गल्लां बयान करन नहीं आया, मैं तेनू हक सुनान वास्ते आया वा। ओ मियां अज दुनियादारा दे नां ते जाना कुर्बान करना है, खुदा दी कसम है हाकमे वक्त नूं ते पता भी कोई नहीं जिंदे नां ते दौलत लुटा रहा है, जिंदे नां ते जान कुर्बान कर रहा है, जिंदे नां ते तेरा भाई कुर्बान हो गया, जिंदे नां ते भरा भरावां तो दूर हो गए। ओए जान लाणियों ते रब दे नामे लगा दे, ओए दुनियादारा नूं ते पता भी कोई नहीं, चाहे कायनात वार दे तेरे मुल्क दे वजीर आदम नूं नहीं पता तू किन्ना प्यार करना है। मालिक कहंदे ने ना ना असी जाने आ साडे नामे जिंदगी लगाएगा, असी बड़ियां कदरां करने आ। अरशां वाले आ कंगनपुर दे लोग पुछदे ने किन्नी कु कदर करदे हो, अल्लाह दे ने जान ते दूर दियां गल्लां ने, ओए तू खजूर दा एक टुकड़ा
मेरे रस्ते अंदर दे जे कयामत नू ओहद पहाड़ जिन्या नेकियां ना बनावा ते मैनू रब ना आखी। और मालिक ने सूरतुल बकरा दी 154 नंबर आयत अंदर अल्लाह फरमा दे वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह फरमा दे ने जेड़ा साडे रस्ते अंदर कुर्बान हो गया ओ जिन्हें जान साडे राह अंदर कुर्बान कर दी असीं इन्नियां कदरां करने आ। मालिक आंदा है मेरे बंदे नू मुर्दा ना खो बल आहिया ओ बल्कि साडियां जिंदा जे। अल्लाह इन्नी कदर करदा है अल्लाह आंदे ने मैं भी गुआरा नहीं करदा मेरे रस्ते अंदर जान देन वाले नू मुर्दा कह दियो बल आहिया ओ साडे कोल जिंदा है। और सूरह आल इमरान दी 169 नंबर आए थे कुरान उठा मैं तेनू कड के देवा तर्जमा पढ़ के वे अल्लाह फरमांदे ने वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता जिड़ा साडे नावे कुर्बान होके आ गया है मालिक आंदे ने उन्हूं मुर्दा ना आखिया जे ओ जिंदा है असा उन्हां दियां रूहां नूं सबल परिंदियां अंदर पा दिता है। अल्लाह आंदे ने साडी जन्नत अंदर फल खा रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे अरश दे थल्ले पिंजरे अंदर रहिंदियां ने मेरी जन्नत दे बागां विचों मेवे खा रहे ने। ते जनाबी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाबी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने महबूबा ओ किवें फल खा रहे ने। सही मुस्लिम अंदर दो मुकामात ते मैं इस रवायत नूं पढ़िया है 1887 नंबर हदीस सही मुस्लिम दी ते मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबी अल्लाह ने उन्हां दियां रूहां नूं पा दित्ता सबल परिंदियां अंदर ओ जन्नत अंदर फल खा रहे ने। मालिक पुछदे ने ओए मेरे रस्ते अंदर कुर्बान होण वालियो कुछ होर चाहीदा जे। अल्लाह सुनिया ना ना सानू होर कुछ नहीं चाहीदा। अल्लाह आंदे ने मंग लो मेरे कोलो कुछ होर अल्लाह असीं होर कुछ नहीं लैणा। अल्लाह आंदे ने मंग लो मेरे कोलो कुछ होर अल्लाह असीं होर कुछ नहीं लैणा। ते तीसरी दफा कहणगे अरशां वाले जे अता करना चाहते हो नुरीदु अंतर उद्दा अरवाहना फी अजसादीना अल्लाह फिर साडियां रूहां नूं दुनिया दे जिस्मां अंदर लौटा दियो। अल्लाह सोहणिया साडियां रूहां दुनिया दे जिस्मां अंदर पा दियो। अल्लाह फरमान गए मेरे मुजाहिदो गल की है अल्लाह सी तेरी मुहब्बत अंदर इस कदर सख्त हो गए जो दुनिया तो आन लग्या असी तेरे रस्ते अंदर जान कुर्बान कीतीए मालिका इन्नी लज्जत आई है वो तेरी जन्नत अंदर भी नहीं लभदी पे। ओए जिंदगियां रब दे नामे लगा दे मियां अल्लाह दा बन जा रब कायनात तेरे कदमां च ढेर कर देगा। ओए दुनियादारां चो कुछ नहीं लभदा यारी रब नाल लाई ओ मियां सारी जिंदगी गुनाह करके अल्लाह वल आ जा अज भी तौबा कर ले मालिक आंदे मैं इन्ना कदरदान आ जा तेरी अख अंदरों आंसू बाद अंदर डिगेगा असां तेरी जिंदगी दे गुनाहां नूं मुआफ ही नहीं करना बल्कि नेकियां अंदर बदल देंगे। अल्लाह फरमांदे ने मेरा बन के मेरे वल्ला मैं बड़ा कदरदान ओए कंगन पुरिया जिंदगियां रब दे नामे लगा दियो अल्लाह जन्नतां वी अता करेगा। और अल्लाह दे रस्ते अंदर कुर्बान होण लगिया किन्नियां लज्जतां महसूस हुंदियां ने किन्नी मजा ते जनाब राहत महसूस हुंदी है। कुर्बान जावां मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया इमाम बुखारी अलैहि रहमा इस रवायत नूं अपनी बुखारी अंदर 4 मुकामां ते लैके आए ने इमाम मुस्लिम 2 जगह अपनी मुस्लिम अंदर लैके आए ने। और सही अल बुखारी 2797 नंबर रवायत है मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह दे रस्ते अंदर कुर्बान होण लगिया मैनू इन्नी लज्जत आएगी लावा दित्तू अन्नी उक्तलु फी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल
सुम्मा उहिया सुम्मा उकतल। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मालिका तेरे रस्ते अंदर जान देन लगे इन्नी लज्जत आंदी है, मैं तेरा पैगंबर दुआ करना वा अल्लाह मैनू तेरे रस्ते अंदर एक बारी शहीद कर दिता जाए, अल्लाह मैं फिर जिंदा हो जा मैनू फिर शहीद कर दिता जाए, अल्लाह मैं फिर जिंदा हो जा मैं मुहम्मद नू फिर शहीद कर दिता जाए। अपनी जिंदगी अल्लाह के रस्ते अंदर लगाओ, अल्लाह तेरी कदर करेगा, लोग तेरी कदर नहीं करेंगे। अकीदा है तौहीद समझो, मरना है अल्लाह वास्ते, जीना है अल्लाह वास्ते जीना है। एथों बोलिया कर, लोगों नू पता चले हक किथे लैके फिरता है। ना मंडा मंडा रख के तौहीद छिपाया करो, खुल के क्या करो, कोई कुछ नहीं कर सकता, कायनात दा रब उलादा दे सकता है, ना कोई रिजक अल्लाह तो सिवा खोल सकता है, ना कोई रिजक बंद कर सकता है। खुल के गया करो मैदान अंदर, अपने असलाफ दीयां कुर्बानियां नूं याद करो। मालिक फरमांदे ने कुरान पाक अंदर सूरह यासीन ने अल्लाह दी रहमत नाल कुरान बयान कर रहा, हदीस बयान कर रहा, अपने इमाम दी फिका बयान नहीं कर रहा, अपने किसी मौलवी दी गल नहीं कर रहा, या आमिना दे लाल दा फरमान बयान कर रहा, या कुरान दा फरमान बयान कर रहा। अल्लाह कुरान पाक अंदर ऐलान फरमांदे ने सूरह यासीन ने, याद करो उस बंदे नूं जिहड़ा साडे नबियां दी मदद वास्ते दौड़ के आया सी। सूरह यासीन अंदर मेरे मालिक ने ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने एक बस्ती अंदर असी अपने दो पैगंबरां नूं कल्लिया, लाके वालिया ने दो नबियां नूं झुटला दिता, असी अपने तीसरे पैगंबर नूं कल्लिया, बस्ती वालिया ने उन्हूं भी झुटला दिता। सूरह यासीन हवाला नोट करें, 20 नंबर आयत अंदर अल्लाह फरमांदे ने वाजा बस्ती वाले ने जुटला दिता है, आगे कहन लगा बस्ती वाले हो या कौमिता बिओल मुरसलीन, ओए मेरी कौम दे ओ लोगो अंबिया दी दावत नू मन लो, ओए मेरी कौम दे ओ जवानो नबिया नू नहीं जुटलाई दा। और आके कह लगा इत्ता बिउ मल्ला यसालु कुम अजरा, ए अपनी दावत ते तुहाडे कोलो उजरत नहीं मंगदे, ए अपनी दावत ते तुहाडे कोलो पैसा नहीं मंगदे, ए अपनी दावत ते तुहाडे कोलो दौलतां नहीं मंगदे। और सूरह यासीन दी 22 नंबर आयत कहंदा वमालिया ला अबुदुल्लजी फतरनी वइलैहि तुजाओ ना, ओए मेरी कौम वाले हो मैं उनकी इबादत क्यों ना करा जिन्हें मैनू पैदा किया है जिंदे वाल मैं लौट के जाना है, ओए मेरी कौम वाले हो मैं उनकी इबादत क्यों ना करा। और सूरह यासीन दी 23 नंबर आए जे आके अपनी कौम नू कहंदा है आप तखिजु मिन दूनी ही आलिहा, अगर मैं अल्लाह नू छड़ के तुहाडे इलावा नू पुकारांगा कहंदा इन्नी दल्ला फी ज़लालिम मुबीन, फिर ते मैं खुली गुमराही अंदर हो जावांगा। और 25 नंबर आए सूरह यासीन दी आंदा लोगो सुन लो इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माउन, मैं अल्लाह दे सिवा किसे नू नहीं पुकारना, मैं अल्लाह दे सिवा किसे नू मबूद नहीं बनाना, ओए मेरी बस्ती दे नौजवानों मैं खुल के ऐलान कर रहा वा अंबिया की गल नहीं कर रहा, पैगंबरा की दास्तान नहीं सुना रहा, ए औलिया अल्लाह ने कुरान ने सूरह यासीन बयान कर रहा, ओए मेरी कौम वाले हो मैं उनकी इबादत करना वा जिन्हें जमीन आसमान बनाए ने, मैं उनकी इबादत करना वा जिहड़ा समंदरा दियां तैमां विच भी रिजक देंदा है, मैं उनकी इबादत करना वा जिहड़ा पुत्र ते धीआं देण वाला है। कुरान कहंदा है कीला दुखुलिल जन्ना, अल्लाह फरमांदे ने इन्नियां गल्लां सुन के ते साडे बंदे नूं बस्ती वालिआं ने मारना शुरू कर दिता। मालिक फरमांदे ने इन्ना मारिया कि उह शहीद हो गया, कीला दुखुलिल जन्ना
सी अपने बंदे नूं जन्नत अंदर दाखिल कर दिता। ओए रब दे नामे जिंदगी लगा, वेख अल्लाह तेरियां कदरां किवें बणांदा है, अल्लाह तेरी जात दे मुल किवें पाएगा। मालिक आंदे ने ओ दुनिया तो चला गया, साडी जन्नत अंदर आ गया। हे कुर्बान जावां उंदे अगले चुमलियां नूं रब ने कुरान बना के हजार साल बाद अपने पैगंबर दे सीने पाक ते नाजल कर दिता है। अल्लाह फरमांदे ने ओ कहन लगा दुनिया तो जाम तो बाद काश के मेरी कौम दे लोग जान लेंदे, मेरी कौम दे लोगां नूं पता चल जांदा भी मां गफर अली रब्बी बजालानी मिनल मुकरमीन। ओए मेरे रब ने मेरियां इन्नियां कदरां पाईयां ने, अल्लाह ने मेरी जिंदगी दियां खतावां भी मुआफ कर छड़ियां ने, ते मैनू इज्जत वाले अंदर शामिल भी कर दिता है। ओए जिहड़ा रब दा बन जांदा है, अल्लाह उहदी जिंदगी दे मुल पा देंदा जे। अल्लाह सुनिया इन्हें क्यों जान तेरे रस्ते अंदर कुर्बान कीते। मालिक आंदे ने वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ओ लोगो ईमान वाले साडी मुहब्बत अंदर बड़े ही सख्त हुंदे ने। उस पैगंबर दा उम्मतीए जिन्हें अल्लाह वास्ते खंदकां खोदियां ने, उस नबी दा उम्मतीए जिन्हें अल्लाह वास्ते ताइफ दी सरजमीन ते पत्थर खाते ने, उस पैगंबर दा उम्मतीए जिंदे रब पिछे पेटी दे पेट अंदर खंजर भी मारिया गया है, उस पैगंबर दा कलमा पढ़िया ही जिंदियां बेटियां नूं तलाकां रब दी तौहीद पिछे दित्तियां गईयां, उस पैगंबर दा उम्मतीए जिस नबी दे यारां नूं हिजरत करके मक्कियों हबश अंदर जाना पिया, नुशे बेबी तालब अंदर अल्लाह दी तौहीद पिछे बंद रहना पिया है, उस पैगंबर दा कलमा पढ़िया ही दोगला पन न वरती तौहीद अंदर गज के क्या कर मैदान अंदर खो के क्या, कोई नहीं रब दे सिवा कायनात नूं चलाण वाला, कोई नहीं गद्दी नशीन, पुत्तर भी रब अता करदा है, धीआं भी अल्लाह अता करदा है। मैं नहीं कहिंदा मैं बुजुर्गां नूं नहीं मन्नदा, ओए मैं मिंबरे रसूल ते अंबिया दी विरासत दा वारस हो के कह रहा वा, मैं अल्लाह दे औलिया दे कदमां दी ताक अपनी अखियां दा सुरमा बनाना वा, पर रब दा मुकाम नहीं देना। पुत्तर सिर्फ अल्लाह अता कर सकदा है, नजरों न्याज दा मालिक अल्लाह है, चढ़ावे ते जोरो फुकार दा मालिक अल्लाह है। ओ बेड़ियां कोई नहीं डोब के तार सकदा, जे अल्लाह डुबी बेड़ी तारन ते आवे ते पैगंबर यूनस भी नहीं जनाब मेरे, अल्लाह मछली दे पेट अंदर महफूज कर देंदा है। ओए कमलिया जे हदायत नबियां दे वास हुंदी, औलिया दे वास हुंदी, ते नूह पैगंबर दा पुत्तर सामने रोड़ के जा रहा है, पैगंबर अपने पुत्तर नूं नहीं बचा सकया। ओए लूत नबी अपनी बेबी नूं नहीं बचा सके, लूत पैगंबर दी बीवी इस्लाम तो बाहर काफर हो के मर गई। ओए मियां जे नबियां ते औलिया दे वास अंदर हदायत हुंदी ते इब्राहिम दा बाप कदे भी घरों बाहर ना कढ़दा। ओए जे नबी हदायत दे सकदे ते मेरे पाक पैगंबर दा चाचा कदे भी जहन्नम दा ईंधन ना बणदा। ओए मैं कित्थों कुरान दे दलायल पेश करा, मैं अल्लाह दे पैगंबर दियां हदीसां पेश कर रहा, तेरे इस मजमे नूं ऐलान करके जाना। कोई एक बंदा उठ के सवाल करे, अल्लाह तो सिवा कोई होर भी मालिक है, कोई नहीं कायनात अंदर, डंके दी चोट कह रहा वा, अज भी ऐलान करना और कर दिया रवांगा, कयामत दी सुबह तक कवांगा, जदों तक मेरे बदन अंदर खून दा आखरी कतरा मौजूद है, मैं ऐलान करदा रवांगा अल्लाह दी तौहीद दा कोई कायनात ते शरीक नहीं। जे खुल के तौहीद बयान करिया अपने असलाफ वाल वेख, आओ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिरौन ने मैदान ला दिते, मूसा असी तेरा मुकाबला कर लांगे, ओ जालिम जिहड़ा आंदा ना रब्बुकुम लाला, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह नौज़ बिल्ला, मैं अल्लाह रब्बा, मैं बहुत बड़ा रब्बा,
मूसा पैगंबर नाल मैदान लगाए, अल्लाह ने मूसा नूं फतह अता कर दी। मुकाबले अंदर जादूगरां नूं लैके आ गया। मूसा अलैहि सलाम फतह याब हो गए। जादूगरां नूं पता चलिया ये आम चीज नहीं, ये अल्लाह की तरफों मौजज़े ने, जादू तो हो सकता ही नहीं। मूसा पैगंबर वल वेखिया ते कहन लगे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। फिरौन नूं कहिंदे ने सारे जादूगर असी ये मान ले आया मूसा पैगंबर हारून पैगंबर ते असी किंदे ते मान लिया। बोलते नहीं यार, डरे बैठे जे कि पहली बारी तो ही सुनी जे वाले आदि सानी मस्जिद खुल के बोलो किंदे ते मान ले आया असी मान ले आया मूसा हारून पैगंबर ते। फिरौन कहन लगे अल्लाह दे कुरान सूरतुल आराफ 124 नंबर आए थे आंदा ना 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 ला उकतियां नहीं दियां कुमार जुला कुम। अगर इंज करोगे ते मैं तोड़ियां लत्तां भी वाड़ दियांगा, मैं तोड़े बाजू भी काट दियांगा। सुम्मा ला उ सली बन्ना कुमार जमाईन, मैं तुहानू सूलियां ते चढ़ा दियांगा, मैं तुहानू सूलियां ते चढ़ा के तुहानू दुनिया तो खत्म कर दियांगा। और सूरे तहां दी 72 नंबर आए ते सारे यक जबान बोले आंदे ने फिरौन फफदी मान तकाज ओ तू जो कर नहीं कर लै असी रब दी तोही तो पिछा कोई नहीं हटना। ओए कंगनपुरिया मैनू दस ना ऐ मरकदी मस्जिद अंदर आण वालिया दिल ते हाथ रख के जवाब अज कायनात ते फिरौन जिन्ना जालिम कोई नहीं आया। अल्लाह की कसम है ओ अल्लाह की मोहब्बत अंदर इन्ने सख्त हो गए जिन्ना मूसा ते हारून पैगंबर ते ईमान ले आए। आंदे ने फिरौन सूरतुल आराफ दी 26 नंबर 126 नंबर आए थे आंदे ने साडा जुर्म है कि असी रब दा नाम लैने आ हुण पिछा कोई नहीं हटना। फिरौन ने उन्हां नूं सूलियां ते चढ़ा दिता, लत्तां भी वढ दित्तियां, बाजू भी कट दिते। मैं पूछना कुराने पाक कोलो अल्लाह सुनिया है क्यों जाना कुर्बान कर रहे ने। मालिक ने वल्ला जीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, लोगों ईमान वाले साडी मोहब्बत अंदर बड़े ही सख्त होंगे ने। अल्लाह की कसम है मेरे पैगंबर दे सहाबा ए जादूगरां दा तस्करा कर दे रो पैंदे। आंदे ने किंज दे लोग ने जेड़े सुबह दा सूरज निकलिया है आला कुफर अंदर ने, शाम दा सूरज गरूब होन तो पहला ये जन्नतां दे मालिक बन गए ने। जदो फिरौन ने इन्हां नूं सजावां दित्तियां ते फिरौन दी बीवी आसियां नूं पता चल गया, फिरौन दी बीवी भी ईमान लेके आ गई। आंदी है आमन तू बि रब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा हारून पैगंबर दे रब ते ईमान लेके आ गई हां, कोई नहीं अल्लाह दा शरीक। फिरौन दी बीवी है फिरौन दे महलां अंदर रहण वाली ए आसिया कौन है जिंदी अगे ते पिछे मुलाजम ने, ए आसिया कौन है ओ फिरौन दी आसिया है जिंदे शारियां दे उत्ते दरियावां दे किनारियां ते महल बन जांदे ने। ए महल बनाने वाली आसिया बयान करना भी आसान है, सुनना भी आसान है। पता उन्होंने जिन्हें अपने जिस्म अंदर मेखा नू बर्दाश्त किया होए, कोई कुर्बानी ने सी अल्लाह दी तौहीद पीछे दीती, असलाफ की जिंदगी फड़िया करो। आसिया कहन लगी फिरौन मैं कोई नहीं मन्ना नहीं। आसिया तैनू पता है मैनू जिल उताद कहिंदे ने, आसिया मैनू मेखा वाला कहिंदे ने, मैं तेरे जिस्म अंदर मेखा कट दियांगा। आसिया कहन लगी फिरौन कोई गल नहीं, जेड़ा जुलम कर नहीं कर ले, मैं रब दी तोही तो पिछा कोई नहीं हटना। ओए इंज दा मजबूत ईमान वाला बन जा, फिरौन तेरियां सजावां मैं बर्दाश्त कर लांगी, अल्लाह दे अज़ाबां तो मैनू डर लगदा है। आसिया कौन आसिया है फिरौन ने जिंदे अगे पिछे मुलाजमां दियां लैणां ला छड़ियां ने। पर सुनिया ईमान दी लज्जत जिन्हों महसूस हो जाए ए जिन्हों कबूल हो जाए वो अल्लाह दी मुहब्बत अंदर सख्त हो जांदा है। जालिम ने आसिया दे जिंदा च समंदर मेखा गड दित्तियां ने। ओए तौहीद नूं छुपाण वालिया, ओए तौहीद तो पिछा हटण वालिया, लोगां दे चेहरियां वल वेखण वाले हो, मैं कायनात वार दे आसिया दे कदम
फरमा तो अल्लाह की कसम है सूरत तहरीम दी 11 नंबर आए थे आसिया कह लगी वज़रबल्लाहु मसलल लिलज़ीना आमनु मुराद फिरौन इज قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه आसिया दिए फिरौन अल्लाह तू मेनू फिरौन दे अज़ाबां तो नजात दे दे ते जन्नत अंदर मेरे को मेरा घर अपने कोल बना ले ओए कंगनपुरिया वेखी रब आसिया दियां कदरां किवें करदा ए अल्लाह दे ने मेरी बंदी ओए मेरे ओ फरिश्तियो वखाओ ना मेरी बंदी नु ए आंदी ए मेरा घर अपने कोल बना दी मालिका दे ने नी मेरी बंदी आसिया सीते पहला तो ही तेरा घर जन्नत अंदर बना छड़िया है अल्लाह ने हिजाब उठा दिते ने ओए जेड़ा रब दे नामे जिंदगियां लांदा है रब मुल पा देंदा जे अल्लाह तेरियां कदरां पावणगे ते आसिया कह के वेख के मुस्कुरान लग पी फिर उहनां दा लगदा है अजाब बड़े मैं दिते ने इन्हें कदी दुख वेखिया नहीं सी इहदी अकल खराब हो गई है सूरत तहरीम दी 11 नंबर आए दे आंदी है नजीनी मिन फिरौना वामलिहि वनजीनी मिनल कौम ज़ालिमीन अल्लाह मैनू नजात दे दे फिरौन ते फिरौन दी कौम कोलो अल्लाह सुनिया मैनू बचा ले अल्लाह ने अपनी बंदी नू जन्नत अता कर दिती है ओए कमलिया रब दी तौहीद पीछे जाना भी कुर्बान करनिया पैन गईया अल्लाह दी तौहीद पीछे किस वक्त मैदान अंदरों निकल के तलवार कड के तेनू मैदान अंदर भी आना पेगा मैदान चो तलवारां भी कढ़निया पैन गईया ओए रब दी तौहीद पीछे तेनू पुत्रां दियां कुर्बानियां देनिया पैन गईया अल्लाह दी तौहीद पीछे तेनू हक भी कहना पेगा ओए अंबिया दे तौहीद पीछे जिस्मां तो लोहे दियां कंगियां नाल गोशत नू नोच दिता गया है ओए दस ना अंबिया नू आरियां नाल वढ दिता गया है रब दी तौहीद पीछे कमले आप तौहीद नू छुपाया ना कर खुल के हक बयान करया कर ओए लोग भुल जान दे ते की हो जाएगा अल्लाह कौम दे वड्डियां नू ख्वाब कल के तैनू इज्जतां अता कर देगा सुनना फिर उस मालिक दी तौहीद अंदर प्यार दा पैगाम दे के जाना चाहना अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शाना दा अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शाना दा तू ए मालिक कल्ला कुल जहाना दा अल्लाह कौन करे इनकार अल्लाह तू ए मखलूक वखरी बनाई कोई तेरा बागी ते कोई सौदाई कईयां सारी उमर ननीती कई लभदे फिरन मसीती शौक अदाना दा अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शाना दा अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शाना दा अल्लाह जिहड़े तेरे बंदे तेरे घर विच आंदे ने छोलियां भर के ओ घर नूं लै जांदे ने छोलियां भर के ओ घर नूं लै जांदे ने तू रख ने आप ख्याल अपने मेहमाना दा अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शाना दा अल्लाह दी तौहीद नूं खुल के बयान करिया करो जदों आसिया भी दुनिया तो चली गई ते मुसनद अहमद अंदर मैं अज ही पढ़िया है 2824 नंबर रवायत हसन रवायत बयान कर रहा वा ते यारो फिरौन दी खादिमा है जिंदा नाम माई माश्ता है माई माश्ता भी मूसा पैगंबर ते ईमान लेके आ गई अपने ईमान नु छुपा छुपा के फिर रही है अपने ईमान नु लुका लुका के फिर रही है फिरौन दी बेटी नु कंगी कर रही है कंगी हाथ अंदरों जमीन ते डिग पई है ते झुकन लगियां बिस्मिल्ला पढ़ रही है फिरौन कहन
फिरौन की बेटी कह लगी नी माई माश्ता मेरे बाबा का नाम ले आई ना ना मैं तेरे बाप का नाम नहीं लेंदी मैं त्यों का नाम ले आए जेड़ा मेरा भी रबे तेरे बाबा फिरौन का भी रबे ते तेरा भी रबे ये बाबा जी ये भी तुहाडे करो खांदी है ते मान मूसा दे रब ते लैके आ गई है बाबा जी इंज दी सजा दिया जी के पहला किसी नूं इंज दी सजा ना मिली होवे कुर्बान जावा लोगो अल्लाह की कसम जालिम ने एक कड़ाया मंगवा लिया है कड़ाए नूं अग उत्ते रखिया गया कड़ाए अंदर तेल सुटिया गया है तेल नूं अग नाल अग बना दिता गया है ऐने जिन्ना जाना कुर्बान कीतियां अपने मालिक वास्ते जिन्हों इमाम की लज्जत महसूस हो जाए ना ये खुशबू इंज दी है जिन्नी भी छुपाओ छुपया निकल इनू लुका लो लुकेगी नहीं खुशबू भी कदे लुकदी है खीर आ ही जाती है ते फिरौन जालम ने उस माई दे बच्चियां नूं भी कोल बुलाया है ओए कंगनपुरी आ बसौ कात रब गरीबां नूं औलाद भी ज्यादा अता करदा है ते माई दे एक पुत्तर नूं कड़ाए अंदर सुटिया गया है ओनू कड़ाए च जो सुटिया गया तेल इन्ना गर्म है मास जल गया ते हड्डियां ही हड्डियां रह गईयां ने अम्मा दियां खोंदरुआं सू आ गए ने ते यारो कहिंदा रुक जाओ मैनू लगदा है अपने दीन तो फिर गई है ना ना फिरौन मैं दीन तो नहीं फिरी मेरी एक तमन्ना ते आखरी ख्वाहिश है फिरौन दे अम्मा दसना आंदी है जदों मैं दुनिया तो चली जावां मेरे पुत्रां नूं तू शहीद कर देवे साडियां अड्डियां नूं एक कपड़े अंदर बन के ते एक जगह दफन कर देवी अम्मा अमल कर लांगे फिर दूजे पुत्र नूं सुटिया गया फिर तीजे पुत्र नूं सुटिया गया हुण आखरी एक बच्चा है मां दी छाती नाल लग के ते दुध पी रिहा है जालिम दे हवारियां ने मां दे सीने नाल खिचिया है ते अम्मा रोना शुरू कर दिता है ओए माई दा जिस्म कपकपाना शुरू हो गया जे ओ यारो कुर्बान कर दितिया उन्हां अपनियां औलादां रब दी तौहीद पिछे उन्हां खानदानां दे खानदान कुर्बान कर दिते अल्लाह दी कसम माई दे जदों जिस्म कंबिया है ते अल्लाह ने बच्चे नूं जुबान अता कर दिती है बच्चा रो के आंदा नी अम्मा इन्ना अज़ाब दुनिया अखवां नूं मिना अज़ाब आखिरा नी अम्मा अगर रब दी तौहीद पिछे तैनूं दुनिया दा अज़ाब मिल रिहा है आखरत दे अज़ाब तो बच रही है ते सौदा महंगा कोई नहीं दा यारो इस बीबी नूं भी जला दिता गया है हजार साल गुजर गए मेरे पैगंबर मेराज दी रात जा रहे ने आमीना दे लाल जिस वक्त फरमाते ने बैतुल मक़दस अंदर में अंबिया नूं दो रखतां पढ़ाईयां ने फिर सीढ़ी लगाई गई असी सीढ़ी ते आसमान वल जा रहे हां थोड़ा जाके गए हां मेरे पैगंबर नूं इक सोहणी जी खुशबू आ गई है ते आका फरमांदे ने जबरील असी जन्नत दे करीब आ गया ओए वेख ओए रब कदरां किने पांदा है जेड़ा अल्लाह दे रस्ते अंदर तौहीद ते जाना कुर्बान करदा है अल्लाह मुल पा छड़दा जे अल्लाह दी कसम कंगनपुरिया मेरे पैगंबर नु जबरील कहन लगे महबूबा साडा गुजर मिस्र दियां फजावां विच हो रिहा है असी जन्नत अंदर नहीं पहुंचे सुनिया मिस्र दी सरजमीन तो गुजर रहे हैं महबूबा ए मिस्र दी सरजमीन ए माई माश्ता ते बच्चियां दी कबर चो खुशबू आ रही है जिस दिन तो इनू दफन कीता गया है उस दिन तो लैके अज तक इनकी कबर तो लैके आसमान तक दा पूरा गला अल्लाह ने खुशबू नाल मुअत्तर कर छड़िया है ओ यारो रब मुल पा देंदा है अल्लाह तेरियां कदरां जानदा है अल्लाह सुनिया माई माश्ता ने जान क्यों दिती है अल्लाह फरमाते ने वल्लज़ीना आमनू अशद्दू हुब्बल लिल्लाह लोगो ईमान वाले अल्लाह दी मुहब्बत अंदर बड़े सख्त हुंदे ने और किन्ने सख्त हुंदे ने ईमान वाले मैं अपने पैगंबर दे दो तीन यारां दी दास्तान सुना के वक्त खत्म हो गया है मैं गल भी खत्म कर देवां ओए तौहीद पीछे मेरा बिलाल है इमाम इब्ने हिशाम सीरत नबवी अंदर लेके आए ने जिल्द नंबर 1 ते सफा नंबर 394 वे खुदा दी कसम उमैया ने मेरे बिलाल
محراب دیاں ریتاں تے لٹا لیا ہے بلال دے ہاتھ وی بن دتے گئے نے وزنی پتھر میرے بلال تے رکھ دتا گیا ہے اے بلال دی چمڑی وچوں انگارے پسم ہو گئے خون نکل رہا ہے میرا بلال ہدیاں صداواں نو بلند نہیں کر رہا اوئے توحید پیچھے جانا قربان کرنی سکھ جاؤ سونے اللہ دی قسم ہے میرے بلال تے کیڑا ظلم ہے جڑا امیہ بےمان نے بلال تے نہیں کیتا پھر بھی بلال نے آخدیاں آوازاں نو مٹھا نہیں جے کیتا سونے بلال دی داستان تینوں ایک اور پیغمبر دے یار دی داستان سناوا میرے نبی دا صحابی ہے ایمان والے اللہ دی محبت اندر کنے سخت ہندے رہے جن دا نام جناب غندلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے میرے غندلہ دی شادی دی رات شادی ہے میرے غندلہ دی نواں نواں نکاح ہویا ہے پیغمبر دے یار دا ادھروں آمینہ دلال دیکھ یار نے صدا نو بلند کیتا ہے او نبی دے او یار تانوں اللہ دے پیغمبر بلا رہے نے خدا دی قسم میرے غندلہ تے غسل بھی فرض ہو گیا ہے اوئے انہاں کنج دا پیار اللہ نال کیتا ہے اوئے کنے سخت نے رب دی توحید اندر تے میرے غندلہ باہر نکلے نے دلوں آواز ہی غندلہ رک جا میدان تے کل سجے گا لیکن غندلہ کہن لگے نا نا غندلہ تیرے پیغمبر نے بلایا ہے اللہ دی توحید خاطر جانا ہے تیرا رب نال پیار انج دا نہیں ہونا چاہیدا سامان نے مقتل اٹھایا پیغمبر دے یار نے تے میرے نبی دا یار جا رہا ہے صبح میدان سجیا ہے میدان تو بعد میرے پیغمبر شہداء دا معائنہ کر رہے نے اچانک میرے نبی ایک لاش تے گئے نے آقا نے اپنی نظراں پیچھے کر لیاں نے اوئے حنزلہ دے گھر والیاں نو بلا کے لے آؤ حنزلہ دے گھر والے بھی آ گئے نے آقا فرماندے نے حنزلہ دے گھر والے او مینوں دسو نا میرا حنزلہ کس کفیت اندر گھروں باہر آیا سی محبوبا جدو تسی اعلان کیتا ہے حنزلہ تے غسل فرض ہو گیا سی اوئے یار اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اوئے کنگل پوریا جانے بندے دے جذبات کنج دے ہویا گھر دے نے سونے حنزلہ تے غسل فرض ہو گیا ہے غسل نہیں کیتا کہ تے رب دے بلاوے اندر حنزلہ دی تخیر نہ ہو جاوے سونے تہاڈا حنزلہ اللہ دی محبت اندر نکلیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے واہ حنزلہ تیری عظمت دے کیا کہنے میں بھی حیران ہاں آسمان دے فرشتے جنت دے پانی نال میرے حنزلہ نو غسل دے رہے نے اوئے قرآن پڑھا واللہ زینا آمنو اشدو حب للہ ایمان والے اللہ دی محبت اندر انہیں سخت ہندے نے یہ جانا بھی قربان کر دیندے نے اور آخری میرے پیغمبر دی یار سنو نا صحیح مسلم اندر میں اپنے نبی دے یاراں دی داستان پڑھی 1903 نمبر روایت ہے صحیح البخاری 4048 نمبر روایت ہے خدا دی قسم ہے جناب انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر ہوئی ہے میرے پیغمبر دے یار پیچھے رہ گئے نے تے بدر تو بعد نبی دے یار دی روندیاں ہی زندگی گزر گئی ہے اے انس بن نضر کیوں رو رہے ہیں آندے نے اللہ تو میرے تو بعد میدان سجایا ہے اللہ جے میرے نبی نو کو جو جاندا تے قیامت دے دن انس بن نضر تینو چہرہ کی وکھاندا اللہ میں تیری دولت اندر کس منہ نہ لاندا جناب انس رویا کردے سن اللہ ایک طرفہ میدان سجا دے پھر ویکھی میں دوڑ دوڑ کے میدان اندر جاندا اوئے انج دا توحید پرست بن جا کفار دے مقابلے اندر مشرک دے مقابلے اندر میدان اندر نکلیا کرو حق نو کھل کے بیان کریا کر جناب انس بن نضر موقع احد آیا نا تے احد میدان سجیا اے جناب سعد پوچھ دے نے اے انس بن نضر کدھر جا رہے ہیں پیغمبر دے یار نے میدان اندر تلوار کڈی اے آندے نے سعد اوئے مینوں احد میدان چو جنت دیاں خوشبواں آ رہیاں نے اوئے سعد ادھروں مینوں جنت دیاں مہک آ رہیاں نے احد میدان تو بعد میرے پیغمبر نے شہداء دا معائنہ کیتا انس نہ زندہ وچ لب رہے ہیں نہ شہداء وچ لب رہے ہیں اے جناب انس دی ایک بہن آئی پردہ کیتا اے محبوبہ میں اپنے ویرے نو پہچان لانگی میرا بڑا پیار ہے میرے ویرے
शरीर दे नाल पहचान दिया पहचान दिया जनाबे अनस दे जिस्म दी एक उंगली मिली है ते उंगली तो पहचान के कहंदी है सोनिया ऐ मेरा वीरा अनस बिन नजर है सोनिया ऐ मेरा भरा है सहाबा दे ने लोगो अल्लाह दी मोहब्बत अंदर ने सखत सी असी अनस दे जिस्म ते 80 जख्म आप शुमार कीते ने ओए कमलिया ना जाना कुर्बान कर दितियां आज लाख के तौहीद ना बयान करया कर खोल के तौहीद बयान करी अल्लाह की कसम है रब कायनात तेरे कदमा में ढेर भर देगा ओए किंज दे पैगंबर दे यार ने जिन्ना दी अजमत अंदर आखरी सदावा सुनावा मैं तेनू सलाम पेश करना उन्ना दितियां ने जाना नाल माल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने उन्ना दितियां ने जाना नाल माल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने हबशी नू वेख लो जरा भी नी डोलिया खोलिया ते लेट के भी होली नहीं जे बोलिया हबशी नू वेख लो जरा भी नी डोलिया खोलिया ते लेट के भी होली नहीं जे बोलिया ओए किवें सानू हौसले बिलाल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने अल्लाह दी तौहीद अंदर सख्त हो जाओ अल्लाह ने सानू नबी ओ अता कीता है जिस पैगंबर ने कहा सी चाचा मेरे एक हाथ ते सूरज नू रख दिता जाए दूजे ते चन नू रख दिता जाए मैं इन्ना दा बोझ बर्दाश्त कर लंगा पर मैं तौहीद अंदर कदे भी मुआयना नहीं कर सकदा आ चाचा जी मैं मुआहदा नहीं रखांगा खुल के तौहीद बयान करांगा सुनना प्यार दा पैगाम सौ सौ बार असियां राजी ते करिए शुक्र रबाना सौ सौ बार असियां राजी ते करिए शुक्र रबाना साडी बंड मोहम्मद आया ते सरवर तुमा जहाना ओ लोग घरानू ले कर जावन उठ बकरियां ते गाई ओ लोग घरानू ले कर जावन उठ बकरियां ते गाई असी घरानू ले कर जाइए हौद कौसर दा साईं ओ लोगां दी दौलत मुकदिया मुकदिया ऊड़क नू मुक जावे साडी दौलत पाक मुहम्मद ते अल्लाह नाल मिलावे अल्लाह दी तौहीद अंदर सख्त हो जाओ खुल के हक बयान करया करो इंशाल्लाह जे बदर अंदर फरिश्ते आ सकते ने पहले ईमान सदीक जिया बनाना पेगा पहले उमर जिया बहादुर बनना पेगा पहले उस्मान जिया गनी बनना पेगा अली जी बहादुरी लेके मैदान अंदर उतरना पेगा जे यूसुफ अलैहि सलाम वास्ते फरिश्ता तुम्हें अंदर आ सकता है ते तेरी नुसरत वास्ते भी आ सकते ने जे इब्राहिम पैगंबर नू अग दे अंगारे अंदरों मालिक बचा सकता है अल्लाह तैनू भी बचा सकता है शर्त ए वे पहले खुल के तौहीद बयान कीता करो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल